हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और बारिश का मौसम है यानी बच्चों को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। सक्षम को थोड़ा कफ हो रहा था तो उसको नोबलाइजर लगाया था मैंने। नोबलाइजर ही एक ऐसी ट्रिक है जिससे बच्चे आपके आराम से सो सकते हैं। श्रीजा को भी मुझे लग रहा था थोड़ा सा कफ कोल्ड सा, तो उसको भी नोबलाइजर। सुन सो जाओ, चलो जाओ सुन। कोई बात नहीं है, सब कुछ एकदम कुछ हो जाता है। उसमें क्या हो गया, दवाई दिलाई ना, ठीक हो जाए। और अभी है नेक्स्ट इवनिंग और मैं आई हूँ सब्जियाँ लेने। और टमाटर के रेट बहुत हाई हो रहे हैं। टमाटर ने तो बिल्कुल कमाल ही कर रखी है। आपके यहाँ क्या रेट है कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे 200 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं सब्जियां लाई। सब्जियों में ना सारी सब्जियों के रेट ठीक है, लेकिन टमाटर के रेट बड़े बढ़ रहे हैं। टमाटर हो गया 200 रुपये किलो और वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा सा नहीं था, तो मैं लाई नहीं। तो मैं बस आलू लाई, लौकी लाई और अरबी लाई। सिर्फ यहाँ रखी, इसको वॉश करके रखूँगी। और मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई तो थोड़ा टाइम हो गया। अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो थोड़ा डिनर करने के बाद अभी नेक्स्ट डे। और मैं यहाँ पे बैठ के पी रही थी अपनी चाय, जो कि श्रीजा ने बनाई थी। तो श्रीजा कभी कभी बना देती है और अच्छी बनाई थी चाय। श्रीजा, अच्छी चाय बनाई है तुमने, सुन रहे हो? खाऊंगी और बना लेते हैं। नहीं, अपने लिए भी तो दूध बना है। अभी से चाय बनानी है, अभी तो चाय बनाई। तो पापा को भी पिलाई। आपको कैसी लगी बुड्ढू ने चाय? बोले बहुत बकवास। हाँ, नहीं अच्छी चाय बनाई है। नहीं भाई, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। अच्छी नहीं थी, ठीक भैया चाय बिल्कुल सही बनी है। मीठा भी ठीक है, बहुत कम सा डाला। तो भैया देखो, मुझे तो सही लगी। गौरी ने बहुत अच्छी चाय बनाई। और दूसरी बात, बनाई तो बनाई, अच्छी बनाई जैसी बनाई, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करेंगे तभी तो वो और भी अच्छी बनाएंगे। अपनी बना के बैठे चाय है, दूध है, सब मत गिरा देना। अच्छी चाय बनाई। ब्लैक वाले कप मैंने निकाल दिए थे, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं है, देखने में ठीक ठाक लग रहे थे मेरे को, तो मैंने निकाल लिए। तो मैंने सोचा आज मतलब इनको पहले यूज़ कर लेते हैं, जब तक चलेंगे चलेंगे। और ये वाले कप के अधिकतर किनारे झड़ जाते हैं ना, जो हल्के होते हैं। क्या हुआ? और सक्षम को लगाया था नोबलाइजर, फ्रेंड्स आपके साथ में शेयर किया था। कैसे हो रहा है सक्षम को? देखो सक्षम की ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इसको बारिश के मौसम में कफ सा हो गया, अंदर छाती में जम जाता है ना। ऐसे नहीं करो पापा, दर्द होगा गले में। श्रीजा तुम्हारी हालत कैसी है? इसको ठीक है, वैसे इसको भी आराम है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम है ना। तो फीवर नहीं कुछ नहीं, लेकिन अंदर गले में खड़खड़ हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको आज फिर से सकूँ, एक दो बार नोबलाइजर और लगाएंगे तब ठीक होगा, है ना। कल रात लगाया हमने, कल दिन में लगाया था, रात लगाना भूल गए। कल रात लूडो खेल रहे थे तो भूल गए थे। हाँ, तो कल रात नहीं लगा। इसकी मेडिसिन भी खत्म है उसकी, दो टाइम की लाई थी, मुझे लगा दो टाइम से आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। अब इसको दो बार और लगाएंगे। वैसे ही एक्टिव है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी है, कोई छोटी नहीं है, है ना। और दो तीन दिन से ब्लॉग नहीं शूट हो पा रहा सही से। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि श्रीजा की क्लास रहती है, फिर इसका कुछ वर्क भी रहता है, फिर मेरे बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर घर का काम हो जाता है। तो मतलब फ़ोन जब भी हाथ में उठाओ फ़ोन बंद मिलता है, फ़ोन की बैटरी लो मिलती है। तो बड़ा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है ये। मुझे लगता है बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे और एक दो दिन में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब श्रीजा है थोड़ी बड़ी क्लास में, तो ऑनलाइन क्लास चला रखी है मैम ने, ऐसा है हम। और हम हाँ ये मस्ती मार रहे हैं छोटे बच्चे। और मैंने पूरा ये जमाया था कल, ये जमा दिए थे मैंने क्लीन करके बिल्कुल। और इनके पेपर नहीं चेंज हुए, पेपर मेरे पास थे नहीं, तो मेरे पास जो पेपर थे उन पे डस्टी करके, डस्टिंग सी करके लगा दिए। ये मैं सारे धीरे धीरे क्लीन कर रही थी। बारिश के मौसम में ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकते, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम थोड़ा कम करते हैं बाहर जाने का इस तरह का। तो मैंने सोचा अपना ये सब क्लीन कर लेती हूँ। और बारिश का मौसम है, बार बार धूप आती है चली जाती है, कपड़ों का स्टैंड बाहर कर दो तो बारिश आ जाती है। इधर कपड़े वॉश करके रखे हैं, लेकिन कपड़े भी और ही धुलते हैं यार, कपड़े कब तक नहीं धोएंगे। इसको मैं ठीक होती इधर रुक जाएंगे। और आज सुबह उठकर मैंने अपने प्लांट्स की ट्रिमिंग की, इनको सही से लगाया। बरसात का मौसम बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। और यहाँ से बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करी, तो बहुत कुछ रही हूँ घर में, चल भी बहुत कुछ रहा है, कभी कुकिंग हो रही है कभी कुछ हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें शूट नहीं हो पा रही क्योंकि मैं आपको बता रही थी प्रॉब्लम क्या है, और उसी वजह से ब्लॉग भी नहीं कंटिन्यू आ पा रहा।
तो बस मैंने आपको बताया प्रॉब्लम थोड़ा सा कब तक चलेगा, जब तक कि कावड़ की लीव्स हैं तब तक, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो कल भी मैंने बाहर पूरे एरिया की क्लीनिंग की थी हम लोगों ने, और आज मैंने जितने भी प्लांट्स हैं बाहर उनकी ट्रिमिंग कर दी, क्योंकि बारिश में बहुत अच्छे चलते हैं प्लांट, मनी प्लांट बहुत अच्छा चलता है। और जो तुलसी के पौधे हैं वो भी छोटे छोटे हो रहे हैं, मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा, तो मैं सोचू छोटे छोटे पॉट में उनको कर देती हूँ, क्योंकि एक ही गमले में अगर कई सारे पौधे रहे तो फिर वो चल नहीं पाते, है ना। तो बस ऐसा है फ्रेंड्स। तो श्रीजा मैडम अपने कलर्स को सेट कर, तो फ्रेंड्स अभी है इवनिंग का टाइम और अभी मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी खत्म किया है, और ये सुबह से मेरे बर्तन यहाँ पे वॉश हुए रखे हैं तो इनको अलमारी में लगा देती हूँ। अभी मैंने सारे वॉश करके फिर से लगाए हैं, है ना। तो धीरे धीरे वॉश होते रहे ना, आपकी जो क्रॉकरी अंदर रखी होती है निकलती रहे तो वो ठीक रहती है। और मैं सोच रही हूँ इवनिंग में ना ये बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी, आजकल बच्चों की छुट्टियां ना तो कभी जल्दी उठते हैं कभी देर में उठते हैं, तो बेडशीट चेंज करने में गड़बड़ हो जाता है, फिर पानी जाने का टाइम हो जाता है, तो ये रहता है ना। और आजकल ना जैसे ये मतलब जैसे बरसात का मौसम है तो 2-3 दिन में ना बेडशीट ऐसी लगने लगती है चिप चिप सी, बड़ी अजीब सी, है ना। आप लोगों को भी ऐसा ही फील होता है कि आप लोग बताना। तो ये बेड आजकल बहुत ज्यादा यूज हो ही रहे हैं क्योंकि बच्चे घर पे हैं, और जब बच्चे घर पे होते हैं तो बेडशीट गंदी भी ज्यादा होती है ना, सभी के घर में होती होंगी। तो मेरे पास 3 बेड हैं, तीनों की बेडशीट मैंने अभी इवनिंग में उतार के चेंज कर दी। वैसे मैं चेंज जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर रही, बच्चे इतना भी लेट नहीं उठते मेरे, लेकिन फिर वो वॉश होने में लेट हो जाता है, फिर सूख नहीं पाती हैं, तो मैं सोची हूँ अभी उतार के चेंज कर देती हूँ। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मशीन लगा दूंगी और फिर उनको फैला दूंगी धूप में। अच्छा थोड़ी सी भी धूप आए ना और आप तभी कपड़ों को धूप में डाल दो तो वो सीलन सी निकल जाती है। और आज मैंने अपनी इस कुर्ती के नीचे ये वाला प्लाजो डाला है, और ये प्लाजो मेरे पास रखा हुआ था, मैंने देखा अरे इसके वर्क के साथ ही मैच हो रहा है। तो कभी कभी ना आपके पास कुछ ओल्ड प्लाजो पैंट और ये रखे रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते हो, वो यूज़ हो जाते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, कि कुर्ती थोड़ी अजीब सी हो गई। तो यहाँ पे भी बेडशीट चेंज, यहाँ पे भी चेंज, पूरा घर हो गया नीट क्लीन। अभी घर दिख रहा है अच्छा, है ना, साफ सुथरा घर बहुत अच्छा दिखाई देता है। और ये बर्तन भी साथ के साथ लगा देती हूँ अलमारी में, नहीं तो ये भी पड़े रह जाएंगे, है ना। तो इनको बस जल्दी जल्दी सेट कर देती हूँ, नीचे बैठ जाती हूँ, साफ तो है ही सब। और ये अलमारी अंदर से क्लीन करी तो अब बड़ी अच्छी लग रही है ना। और इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी बर्तनों पे, कभी कभी आपका मन करता है कि आज दूसरा सेट निकाल लो, ये यूज़ कर लो, और वो साफ़ सुथरा मिले तो ठीक है, और तभी धो के फिर यूज़ करो तो बड़ा झंझट सा हो जाता है। तो मैं पता है अपनी क्रॉकरी को ऐसे ही करती हूँ, कभी कोई सी निकाल के वॉश कर दी, कभी कोई सी। मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 2-3 डिनर सेट हैं, तो स्टील वाले के अलावा भी, तो मैं तीनों को कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं थाल यूज़ कर लेती हूँ भोजन थाल। तो कुछ इस तरह से अभी ये लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो बस इसका पेपर नहीं चेंज हुआ यार, पेपर मेरे पास था नहीं, और कुछ रैक्सीन वगैरह भी या जो बिछाते हैं शीट प्लास्टिक वो भी नहीं थी, तो मैंने उसी पे कपड़ा मार के उसको सेट कर दिया इस तरह से। तो अभी ठीक लग रही है ना, साफ सुथरी, तो टाइम टाइम पे ये काम होते रहे। तो मैंने क्रॉकरी को सही से लगाया, कुछ इसमें पड़ी है, कुछ किचन में पड़ी है, कुछ वॉश होने के लिए पड़ी है, तो मेरे को आदत है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, उससे क्या है घर मैनेज भी रहता है। तो ये वाला पोर्शन तो मैंने ठीक कर दिया है, और इधर देखो इधर इस तरह से भरा हुआ है, कुछ डब्बे जैसे खाली होते हैं वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, है ना, और कुछ जैसे बच्चों के टिफिन वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रख देती हूँ। तो इसको कल वो क्लीन करेंगे, इसमें जो बर्तन है वो बिल्कुल क्लीन है क्योंकि वो जल्दी जल्दी यूज होते रहते हैं, लेकिन डस्ट हो गई है अंदर, और पता नहीं भाई इतनी डस्ट कहाँ से आती है घर के अंदर, समझ ही नहीं आता, है ना। मतलब घर में इतनी साफ सफाई करते रहते हैं फिर भी रोज डस्ट रहती है। चलो चीजों का तो समझ में आता है कि बच्चों का घर है या हम लोग खुद भी चीजें फैलाते हैं कपड़ों का, लेकिन डस्ट का नहीं बदलता कि अलमारियों के अंदर भी घुस जाती है, पता नहीं कैसे कैसे, है ना। और मैंने बहुत दिनों से ना अपने घर का ये हुलिया ऐसा कर रखा है, अब भी नहीं लग रहा, लेकिन एक ड्राइंग रूम होता है ना बिल्कुल सेट रहता है, वो चीज नहीं हो पा रही। एक सोफा इधर पड़ा है, छोटे वाले इधर पड़े हैं, बेड इधर पड़ा है, और बीच में ये पूरा पोर्शन खाली है। तो ऐसे यूज करने में मजा तो आता है लेकिन घर थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता है। तो मैं सोचू धीरे 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 करती हूँ, है ना, चीजों को सेट करते चलते हैं। ये किचन के हैंकी हैं जिनसे मैं प्लेट वगैरह साफ कर रही थी, और ये बेडशीट वगैरह मैंने उतार दी है, लेकिन इनको वॉश में मॉर्निंग में ही करूंगी, उतार के मैंने मशीन में डाल दिया, वॉश मॉर्निंग में ही करूंगी। करने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि पानी चला जाता है फिर कुछ पता नहीं होता, और रात को वैसे भी सूखेंगी भी नहीं, तो सुबह को। अब बेडशीट ऐसी चीज है जिसको आप रूम में भी नहीं फैला सकते, क्योंकि कपड़ों का स्टैंड तो मैं रूम में खींच लेती हूँ, स्टैंड पे ऑलरेडी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो ठीक से सूखे नहीं, तो ऐसा है। और एक बात है, घर जब बिल्कुल साफ कर लो ना आप, घर में ना बड़ा सुकून मिलता है। उधर चीजें फैली हैं थोड़ी सी, एक दो चीजें टेबल पे रखी है, वैसे घर बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन।
पे एक बॉक्स रखा है जिसमें कि ना मैंने बच्चों की एक्स्ट्रा नोटबुक रखी हुई थी, ये हाथ पे पेन में से कलर लग गया, बच्चों को पढ़ा रही थी पता नहीं कैसे, तो कुछ नोटबुक थी जो थोड़ी थोड़ी छोटी हुई थी, पेजेस आधी भरी हुई थी, तो वो मैंने निकाली थी, कुछ यूज़ हो गई कुछ यूज़ नहीं हुई, तो मैं सोची जो लड़का मेरे यहाँ काम करने आता है उसको दे देती हूँ कुछ। उसको पहले भी दी थी मैं, उसको कल पूछ रही थी बेटे आपने यूज़ की, वो तो कह रहा हाँ मैंने यूज़ की थी आंटी, तो मैंने कहा और ले जाना है ना, कोई बच्चा पढ़ ले वो ज़्यादा अच्छा है वेस्ट करने से किसी चीज़ को। और मैंने कर ली है डिनर की भी तैयारी, बच्चों को ट्यूशन बुलाया था 5 बजे, और मैंने 5 बजे में 4:45 बजे जल्दी से किचन में लगी और डिनर की थोड़ी तैयारी कर ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये डब्बी धुली हुई पड़ी थी तो मैंने सोचा इसमें रख लेती हूँ आटा, तो यहाँ आटा लगा के रखा था, इसमें थोड़ा सा चने का आटा भी है मेरे, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये, तो ये आटा लगा हुआ रखा है। तो बनाई है मैंने लौकी की सब्जी रात को, और आजकल बरसात के दिन चल रहे हैं तो खाना बहुत हल्का हल्का खाना ही ठीक रहता है ना, इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे, बाकी जब खाएंगे तब कर लेंगे। बर्तन वॉश हुए, एक तरफ बॉटल रखी है, तो मैं सोची इन बॉटलों को भी कल को अच्छे से साफ करके ना थोड़ा गर्म पानी से और उस पर सोडा वोडा डाल के अच्छे से क्लीन करके धूप लगाती हूँ। मैं हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ बच्चों की स्कूल बॉटल हैं, कुछ फ्रूट बॉटल हैं, कुछ हस्बैंड की हैं ले जाने वाली बॉटल्स, करके ये छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। और आप लोगों से बात करी थी तो मैंने घर की काफ़ी सारी लाइट्स ऑन कर रखी थी, क्योंकि काफ़ी सारी लाइट ऑन करो ना तो ठीक आता है, नहीं तो ठीक नहीं आता, और ये यही रखा हुआ है मैंने आपको बताया था। अच्छा, जब मैंने ये आपके साथ में शो किया था ना दोस्तों, ऑर्गेनाइज किया था, आप लोगों को दिखाया था, एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि यूजलेस प्रोडक्ट है ये। वैसे मैं बताऊँ यूजलेस तो मैं इसको नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे लिए यूजफुल रहा। देखो मेरे किचन में वो छोटी छोटी बहुत सारी डब्बियाँ पड़ी हुई थी और उनमें क्या था, अलग अलग मसाले पड़े हुए थे, तो मैं मेरे को पसंद है वैसे कांच की चीज़ें रखना ज़्यादा। आप लोग देखते हो मैं क्रॉकरी वगैरह या फिर जो भी चीज़ें रखती हूँ ज़्यादा कांच की रखती हूँ, बट मेरे किचन में स्पेस इतना नहीं है, है ना। और बास्केट में रख के आप ऊपर रखो और वो उतारते हो गिर जाए तो एक बार में वो तो फूटेंगी सारे, वो भी फूटेंगे मसाले भी वेस्ट होंगे, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था टेम्परेरीली, और मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, तो ये इसमें सारे मसाले फिट हो गए, तो मुझे ये यूज़लेस नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। बल्कि मैं बताऊँ उस दिन मेरे जब मैंने इसमें सारे मसाले डाले तो मेरे किचन में ना बहुत सारा स्पेस बच गया, एक पूरा खाना खाली हो गया, पूरा एक नीचे वाला पोर्शन खाली हो गया, उससे क्या मैं उसमें दालें वगैरह कुछ जमा सकती हूँ डब्बे सेम से, तो वो एक मतलब बेनिफिट रहा मेरे लिए। अगर आपकी किचन स्पेशियस है तो आप मसालों के डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स रख सकते हो, बट मेरे लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे लिए किचन का हिस्सा खाली हो गया, ये फायदेमंद रहा। और क्वालिटी भी इतनी बेकार नहीं है, ठीक है मैं आपको कह रही थी बेकार तो नहीं है, ठीक है क्वालिटी, जो जा रहे हैं उनकी क्वालिटी ठीक है, जो इसका वो है उसकी क्वालिटी भी ठीक है ना, क्योंकि एक जगह रखे ही तो रहते हैं, निकालना होता है। और आप नोटिस करो कि आपके घर में जो आप कभी कभी वो मसाले मैं कर लेती थी पहले, अभी भी कर लेती हूँ मैं सच बताऊँ, जैसे कुछ डब्बी में कोई चीज़ आई है वो डब्बी खाली होगी तो मैं उसमें मसाला भर के रख दूंगी या कुछ, तो मेरे को ऐसी आदत थी क्योंकि मैं किचन के लिए बहुत ज़्यादा जार वगैरह खरीदती नहीं थी या खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी किचन में इतनी जगह नहीं रहती, क्यों और फिर मुझे लगता है जब करूँगी तो एक साथ कुछ अच्छा करूँगी, इसको ऑर्गेनाइज है ना, तो फिर अभी ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं, तो उससे तो बेहतर है। और वो भी कंटेनर्स कितने वैसे होते हैं ना, उनकी प्लास्टिक जब भी हम रखे रहते हैं काफ़ी दिन चल जाते हैं, तो ये भी 2-3 साल आई थिंक निकाल ही देंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे को वो प्रोडक्ट कैसा लगा है ना, और कुछ लोग यूज़ भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैंने आपसे ये सब शेयर किया, मैं मतलब कोई चीज़ मैनेज करती हूँ मेंटेन करती हूँ तो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है ना, लेकिन आप उसके बारे में क्या सोचते हो तो वो आपकी राय रहती है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं जो चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है वो आपको भी अच्छी लगे, लेकिन मुझे बहुत सारी नॉलेज मिलती है आप लोगों से, उसके लिए थैंक यू सो मच।